ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को बाथरूम जाने की इच्छा तो हो लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो मूत्र त्याग करने में असमर्थ महसूस करता हो। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ऐसा है। और यदि हम डॉक्टर्स की माने तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जाहिर सी बात है, अगर हम मूत्र त्याग नहीं करेंगे तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे। शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या हो तो सबसे पहले उसे इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसके चलते कई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल कर इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उपचारों के बारे में बात करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ। नमस्कार, मैं रितिका आचार्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे यूरिनरी रिटेंशन के बारे में। जब किसी व्यक्ति का मूत्राशय भर जाता है और वह यूरिन पास करने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति को ही यूरिनरी रिटेंशन के नाम से जाना जाता है। ये समस्या काफी लंबी चलती है और इस समस्या के चलते दर्द भी बेहद ज्यादा होता है। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को ये समस्या हो तो उसे समय रहते ही इसका इलाज करा लेना चाहिए, अन्यथा उनकी अवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। ये एक ऐसा रोग है जो कि कभी भी किसी को भी हो सकता है, और इसके बारे में बताते हुए कहा जाता है कि इस समस्या से एक साल में तकरीबन हर 1000 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति ग्रसित होते हैं। ये समस्या बहुत ही गंभीर है लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जिन भी व्यक्तियों को ये समस्या है उन्हें अभी तक इस समस्या को ठीक करने के लिए सही उपचार नहीं मिल पाया है। इसके उपचार के बारे में बताने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि ये समस्या किन कारणों की वजह से होती है। यदि बच्चों में होने वाली समस्या के कारणों के बारे में बात की जाए तो पथरी, मूत्र नलिका का मांस का बढ़ना, गोनोरिया और मूत्राशय का दबाव या फिर मूत्र त्याग नहीं कर पाना भी बच्चों में समस्या को उत्पन्न करता है। और वयस्कों में ये समस्या मूत्राशय में हुई पथरी के कारण होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं में इस समस्या के होने के कारण क्या क्या होते हैं। महिलाओं में ये समस्या हिस्टीरिया, पथरी, मूत्राशय के किनारे पे किसी प्रकार का दबाव या फिर गांठ होना इस समस्या को उत्पन्न करता है। इसके अलावा मूत्राशय की कमजोरी और मूत्राशय के हिस्से के मांस का बढ़ जाना भी इस समस्या को उत्पन्न करने वाले कारणों में से है। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिसे देख कर अभी पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ये समस्या है या नहीं। इस समस्या की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी रोगी को मूत्र त्याग करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोगी को बार बार इच्छा होती हो कि उसे यूरिन पास करना है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि या तो रोगी को बाथरूम रुक रुक कर आए या फिर आए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन पास करने के थोड़े ही देर बाद यानी कि 5 या 10 सेकंड बाद ही उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें दोबारा यूरिन पास करना है, लेकिन दरअसल में ऐसा होता नहीं है। ये भी समस्या के लक्षणों में से एक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी उन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जिसका इस्तेमाल कर आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। आप इस समस्या को ठीक करने के लिए श्वेत पर्पटी और पुनर्नवा रिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम जड़ी बूटियों की बात करें तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ककड़ी और पुनर्नवा को। मेरे द्वारा अभी बताई गई सभी औषधियाँ पूरी तरह से सुरक्षित है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस समस्या को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल निसंकोच होकर कर सकते हैं। यदि आप बिना कुछ खाए सिर्फ पाइनएप्पल जूस का सेवन करते रहेंगे तो आपकी ये समस्या अवश्य खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप नींबू या फिर अदरक के रस का भी सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से आपके यूरिन में पीएच लेवल सुधर जाता है। इसके अलावा यदि आप बेल फ्रूट का जो गुदा होता है उसमें गुड़ मिलाकर खाएंगे तो भी आपको इस समस्या से राहत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं उन आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। यदि आप इन औषधियों को खरीदना चाहते हैं तो आप परमानंद आयुर्वेद के द्वारा मंगा सकते हैं। आपको बस सर्च करना होगा www.paramanandayurveda.com। इस पे जाएं और जिस भी आयुर्वेदिक औषधि की आपको आवश्यकता है उसे ऑर्डर करें। ऑर्डर की हुई औषधि मात्र 3 से 4 दिनों में आप तक पहुँचा दी जाएगी। यदि आप चाहें तो हमें फोन, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको डायल करना है 999-000-4674 या फिर 999-000-5395। इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी औषधि के बारे में बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं।
दोनों ही तरीके से हमसे दवा मंगाने के लिए आपको हमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि परमानंद आयुर्वेद इस देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों पे फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों पे देते हैं डिस्काउंट, वो भी पूरे 10-15% तक का। और अब आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। आपको ये हमारा VIP ऑर्डर फॉर्म हमारी वेबसाइट के होम पेज पे मिलेगा। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी आयुर्वेद व आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी बीमारी से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या ख़रीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ़ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परमानंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।